ओके, वन पीस 1072 एपिसोड इज फाइनली हियर एंड इसको लेके उतना ज्यादा हाइप नहीं था किसी के अंदर। दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज गियर 5 वाले एपिसोड की तरह हाइप ना होने के कारण इस एपिसोड को लेके लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कम थी। और ये एपिसोड आने के बाद लोग बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, जो देख के तो अच्छा लग रहा है। इस एपिसोड को उतना ज्यादा हाइप नहीं मिला, इट डजंट मीन कि एपिसोड अच्छा नहीं था। दिस एपिसोड इज सो गुड। लास्ट वाले वन पीस वीडियो में जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि 10-15 एपिसोड के अंदर जो एवेंजर्स टीम है, जिन लोगों ने काम किया, एनिमेटेड टीम, वही लोगों ने इस वाले एपिसोड के अंदर काम किया। और लास्ट के एक पर्टिकुलर मोमेंट था जहां पर लूफी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, वहां पर जाके उन लोगों ने फाड़ दी। एनिमेशन को एक अलग लेवल पे लेकर चलेगा, जो देख के मेरे को अच्छा लगा। दैट मोमेंट वाज सो फकिंग गूज़बम्प्स भाई। आई डोंट नो तुम्हें से कितने लोगों ने एपिसोड देखा या फिर नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो अभी जाके देख लो, अगर देख लिया तो फिर बढ़िया। अपना ओपिनियन दो, हाउ वाज द एपिसोड। शुरू में हम लोग ने इस एपिसोड का टाइटल ही देखा था, रिडिकुलस पावर गियर 5 इन फुल प्ले। गियर 5 इन फुल प्ले से हम लोगों को समझा दिया लूफी एकदम खेलने वाला है, जो ऑफ कोर्स हम लोगों ने देखा लूफी को खेलते हुए कायदो के साथ। भाई कायदो की अखंड बेइज्जती करवा दी भाई, बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई यहाँ पर। भाई वो योंको है, ये वही बंदा है जिसने किड की एकदम से मार ली, सब लोगों की मार के रखा था। एंड ही वाज डैम स्ट्रांग भाई, उसको जिस तरह से दिखाया गया वानो के शुरू में, वो देख के सब लोगों की फट गई थी। एंड अभी लूफी क्या कर रहा है उसके साथ? ब्रो इज सीरियसली यूजिंग हिम फॉर स्किपिंग, लाइक फॉर रियल भाई। लूफी उसको रोप स्किपिंग करने के लिए यूज कर रहा है भाई, ये बेइज्जती नहीं है तो क्या है? योंको का नाम बदनाम करके रखा है भाई यहाँ पर। आई डोंट नो यहाँ पर ओडा क्या करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट जितना मेरे को लग रहा है ओडा हम लोगों को समझा रहा है दिस पावर इज रिडिकुलस, जो बहुत बार हम लोगों को बोल के रखा है एनिमे के अंदर। एल्डर्स ने जब बातचीत किया तब हम लोगों को पता लग गया था कि भाई ये पावर एक सीरियस बिजनेस है, बट तुम लोग तो बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे। मैं बार बार बोल रहा था ये पावर अलग लेवल की, इट्स गॉड लेवल पावर। अभी पता चल गया ना वो क्या है, इतना खतरनाक कैरेक्टर कायदो को स्किपिंग करने के लिए यूज कर दी भाई। अरे यहाँ पर तुमको क्या लगता है लूफी सीरियसली फाइट कर रहा है? पूरे एपिसोड देखने के बाद तुमको अभी भी ये लग रहा है लूफी सीरियसली फाइट कर रहा है? He is playing, वो खेल रहा है, मजाक कर रहा है। He is going here and there, वो जंप कर रहा है, हाइड एंड सीक खेल रहा है, हंसते हुए जा रहा है, वो एक सेकंड के लिए भी सीरियस नहीं हुआ। यहाँ पर अगर बिना सीरियस होकर कायदो को रोप स्किपिंग करने के लिए यूज कर लिया है, तो जस्ट इमेजिन लूफी जब फुल सीरियस फाइट करेगा विद गियर 5, तब क्या होगा? आई कांट इवन इमेजिन। अभी पर तुम लोगों को पता है लूफी के लिए गियर 5 एकदम न्यू है, नया है भाई, अभी स्टार्ट किया है। वो नामकरण करेगा, धीरे धीरे अडॉप्ट करेगा, और अलग अलग मूव जो है गियर 5 के हम लोग देखने वाले। तो अभी जिस तरह से लूफी गियर 5 को यूज कर रहा है, इन फ्यूचर में तुम लोग इसको और भी खतरनाक वे में यूज करते हुए देखने वाले हो। अभी हंसते हुए रहता है बट स्टिल खतरनाक है, बिकॉज वो अगर बीच में एक दो सेकंड के लिए स्माइल करना बंद कर देता है ना, तब हम लोगों की एकदम से फट जाती है। एंड इमेजिन करो इस पावर को धीरे धीरे अडॉप्ट करने के बाद फ्यूचर में जाके वो सब फुल सीरियस फाइट करेगा, तब क्या होगा भाई? वी कांट इमेजिन, बिकॉज जॉय बॉय को अलग वे में हम लोग देख रहे हैं। वहां पर शौक था, बोल रहा था वो श्योर कि तू भाई मर गया था, तू जिंदा कैसे हो गया? फिर कायदो वाज टॉकिंग अबाउट हिज डेविल फ्रूट पावर पैरामीथ्रास अवेकन ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने देख के रखा था डॉफ्लेमिंगो का जो पावर है वो अवेकन होते हुए उसके साथ साथ कातकोरी को भी हम लोगों ने देख के रखा, बट कायदो के लिए एकदम ये नया है, बिकॉज उसने इससे पहले ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा हिच नहीं। हाँ, क्वीन की बात वहां पर अलग है, इसलिए कायदो को लग रहा था कि भाई इट्स एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ जोन टाइप। और यहाँ पर जितने वन पीस फैंस आए, दोनों तुम लोगों ने नोटिस किया या फिर नहीं, पूरे टाइम कायदो सीरियस, मतलब डैम सीरियस होकर बात कर रहा था। एंड लूफी रिएक्शन वाज भाई जाना यार, जा यार, मतलब उसके लिए मेन बैटल है इच नहीं, वो वेकेशन पे आया, वो बस मस्ती कर रहा है। पर अभी तक गियर 5 आने के बाद एक चीज शायद तुम लोगों ने नोटिस किया, पूरे टाइम अभी तक लूफी सामने से हमला किया हीच नहीं। जितनी बार कायदो ने फर्स्ट में अटैक किया उसके बाद लूफी ने अटैक किया, बिकॉज हमारा जो जॉय बॉय उसको ऑलरेडी पता है जो कायदो है वो उसके लेवल का नहीं है। इस पावर के साथ उड़ अगर चाहता तो भाई वुड हैव किल्ड कायदो इन सिंगल एपिसोड, बट उसको हम लोगों को दिखाना है, हम लोगों को समझाना है। जॉय बॉय की जो पर्सनलिटी है वो अलग है, हम लोगों ने देखा कायदो ने कैसे लूफी को अंदर निकाल ली, बट लूफी मसल मसल वो समथिंग जो मेरे को अच्छा लगता है सुनने में। कायदो के पेट के अंदर जाके जब बुमबाम कर रहा था, बोल रहा था आई एम शूटिंग स्टार शूटिंग लूफी, तार वो सुनने में अलग मजा आ रहा था भाई। दैट्स होलसम लूफी, जिसको हम लोग बहुत पहले से मिस करते, बिकॉज़ इससे पहले जितनी बार उसने फाइट किया उसको ऐसे हम लोग करते हुए देखा ही नहीं। सो देयर इज अ डिफरेंस, जब वो गियर 2 गियर 3 गियर 4 को यूज करता है तब वो फाइट थोड़ा बहुत सीरियसली करता है, फाइट के बीच में ये सारे कांड नहीं करता है, बट जब वो गियर 5 को यूज करता है तब उसके अंदर जो जॉय बॉय की पर्सनलिटी है वो अडॉप्ट हो जाती है। हां लूफी थोड़ा बहुत पहले से ऐसा हम लोग को पता है, बट जॉय बॉय की पर्सनलिटी यहां पर आने के बाद लूफी और भी ज्यादा यू नो वो फ्रीडम वाली वाइब दे देती है, जो बाकी गियर से अलग है, जो मेरे को बढ़िया लगा। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम फॉर दोस जिन लोगों ने पूरे 1000 एपिसोड को स्किप मार के हाइप की वजह से बस 1071 1072 एपिसोड देखा है। तो पूरे शो को अगर स्किप मार के तुम लोग हाइप की वजह से अगर बस 1071 एपिसोड देखो, तुम लोग बोलोगे मेन कैरेक्टर क्या कर रहा है, उछल रहा है, जंप कर रहा है, ये सब चल क्या रहा है भाई, ये मेन कैरेक्टर कैसी फाइट है? ऑफ कोर्स मैं भी बोलूंगा अगर मैं पूरे शो को स्किप मार के बस एक एपिसोड देखूंगा, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंड विद वन पीस। एक लार्ज जो नंबर है आसपास के ऑडियंस, उन लोगों ने वन पीस देखा ही नहीं, हाइप की वजह से बस ये वाला एपिसोड चला दिया, और उन लोगों ने देखा कि भाई मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर कुछ अलग ही कार्ड कर रहा है, बट उन लोगों को पता नहीं कि जॉय बॉय क्या है, व्हाट इज गियर फिप्स, और गियर फिप्स से पहले जितने गियर्स थे उनके अंदर पर्सनालिटी कैसे, दे हैड नो आइडिया। उनको बस ये एपिसोड देखना था। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड जिन लोगों ने वन पीस शुरू से देखे कॉट अप करके एपिसोड देख रहा, उनके लिए सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज फाइन फॉर दैम। मेरे को अच्छा लगा कायदो को उसने कैसे बलून बना दिया। कायदो बार बार बोल रहा है डोंट फूल राउंड, मजाक मत कर, बस सीरियस फाइट करो, बट लूफी इज लूफी। फॉर द फर्स्ट टाइम यामाटो एंड मोनोसुके ने देखा लूफी को अलग ही फॉर्म में, देख के वो लोग शॉक हो गए। इस वाले एपिसोड के अंदर एनिमेशन वाज सो गुड, मेरे को बढ़िया लगा भाई। कई कई जगह पे एनिमेशन डिटेल्स में भाई अलग ही मजा आ रहा था देखने में, बट मेरे को जो लूफी का गिगांटो यूज किया वो मेरे को एनिमेशन में अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। इवन एज अ वन पीस फैन मैं बोल रहा, बिकॉज फॉर सम रीजन मेरे को लग रहा है कि ये मांगा पैनल में ज्यादा बढ़िया लग रहा था, एनिमेट होने के बाद ये थोड़ा अलग लगा, थोड़ा बहुत बेटर हो सकता था, बिकॉज मांगा से इसको मैच कराओगे तो भाई मैच नहीं हो रहा, अलग लग रहा है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा था, बट एनिमेशन में जितना सोचा था उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। बट इसको छोड़ के कुछ अलग अलग छोटी मोटी डिटेल्स एनिमेशन करना जो काफी ज्यादा मस्त था। और ये पूरे गियर 5 के मोमेंटम के बीच में लॉ एंड किट का जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड था, बिकॉज उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इतना फाइट वाइट करने के बाद वो स्टिल नीचे सब कुछ हैंडल कर रहा है, इवन बिग मॉम को हराने के बाद, दैट्स हेला अंडररेटेड ब्रो। आई नो हर एपिसोड के अंदर, इस वाले एपिसोड के अंदर खतरनाक फाइट, और खतरनाक फाइट के बीच में स्टिल हम लोग को कुछ फनी मोमेंट्स देखने को मिला, जैसे लूफी रिएक्शन, बाकी कैरेक्टर्स की रिएक्शन वाज हेला फनी, मेरे को बढ़िया लगा यार। लॉ एंड किट के बीच आपस में बहस ये सब देखने में अच्छा तो लगता है, इन सारी चीजों को छोड़ के भी यार जब लूफी यू नो टायर्ड हो जाता है तब उसकी वॉइस आर्टिस्ट जिस तरह से यू नो चीजों को एडॉप्ट किया भाई, देख के मजा आ गया भाई। लूफी की वॉइस आर्टिस्ट को भाई कोई ऑस्कर दिलाओ। लूफी रिएक्शन वाज सो फनी भाई, देख के मेरे को मजा आ गया भाई, तू भी गियर 5 में था। और यहां से हम लोगों को देख के पता चला जब वो नॉर्मल लूफी रहता है, यू नो नॉर्मल रहता है, तब उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, और जब वो एकदम से यू नो गियर फिप्स को यूज करता है उसकी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है, दैट्स बिकॉज़ ऑफ जॉय बॉय ऑफ कोर्स। एंड द बेस्ट मोमेंट वाज जब लूफी फिर से दोबारा ट्रांसफॉर्म हो रहा था, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है तामा पेड्रो कीमन सबका नाम लेके, एंड पीछे ओवरटेकिंग म्यूजिक चल रहा था ब्रो, दैट मोमेंट वाज सो गुड, मेरे को गुजबम्प आ गया भाई। और ट्रांसफॉर्म होने के साथ साथ जो एनिमेशन हम लोगों को देखने को मिली भाई यार मजा सा आ गया। और एनिमेशन के साथ साथ जो यू नो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन का जो बीट ड्रॉप होना भाई उसमें स्वाद आ गया भाई। मैंने इसको 10 से 15 बार देख लिया, इवन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी लगा दी, फेसबुक पे स्टोरी लगा दी, फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा है। आई लव इट, यहाँ पर लग रहा था एनिमेशन एक अलग लेवल पे चली गई थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोग को ऑलरेडी बता के रखा था इस वाले एपिसोड के अंदर एनिमेशन खतरनाक होने वाली, जो एक्चुअल में हुआ, जो एक्चुअल में हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर लूफी की लुक भाई इतना ज्यादा सीरियस लग रहा है कि कायदो को वो मार देगा एकदम। तो समझो दो एपिसोड के अंदर बस 10 सेकंड के लिए लूफी को सीरियस दिखाया गया, और अगर लूफी को हमेशा ऐसे दिखाया जाएगा ना ओपोनेंट के फटके चार हो जाएगी, शुरू होने से पहले फाइट खत्म है। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने अगेन देखा लूफी की वही हरकत है, बट अगेन ये जरूरी है फाइट को टिकाए रखने के लिए। ऑलरेडी कायदो को डिसरिस्पेक्ट कर लिया, अभी एकदम से हरा देगा क्या, फिर इनको की वैल्यू कहां रहेगी भाई। एंड वहां पर जुनेशा फिर से जॉय बॉय के बारे में बात करके हम लोगों को समझा रहा है, दिस इज जॉय बॉय एंड हिज पर्सनालिटी। एंड लूफी ने तभी बोला आई एम मंकी डी रूफी भाई, स्वाद आ गया। मीन दिस एपिसोड वाज 10 ऑन 10, सब लोग एक्सपेक्टेशन ना के बराबर थी, और पूरे एपिसोड को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। बाकी तुम लोग बताओ व्हाट डू थिंक अबाउट दिस एपिसोड, और आगे ये फाइट कंटिन्यू है लूफी के गियर 5 के एपिसोड, 2-3 और भी आएंगे, तुम लोग एंजॉय करने वाले हो। वीडियो यहां तक देख रहे हो तो हल्के से दबाओ लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के पास में जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।